नमाज के अंदर जब हम सूरह अलक पढ़ते तो उसमें आखिरी में सजदा है, तो हम वो सजदा किस तरह अदा करें? चूंकि उसमें आखिर में सजदा है ना शेख जी, जी उसमें उस सूरत के आखिर में सजदा है, इसलिए बहन को इश्काल हो रहा है कि सजदे तिलावत हम वहां पे कैसे करेंगे। देखिए बहन, अगर सूरह अलक खत्म करके आप रकात को खत्म कर रही हैं, यानी रुकू में जा रही हैं, तो फिर यहां पे आपको सजदे की जरूरत नहीं क्योंकि आप रुकू में जा रही हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि वो सजदे तिलावत आप करें, तो सूरह अलक खत्म करके आप सजदे तिलावत कर लें, उसके बाद आप खड़े हो जाइए, खड़े होने के बाद आप कोई और सूरत या कुछ और आयतें पढ़िए, उसके बाद फिर रुकू में जाइए। तो इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं।